माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलिए कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। माँ, बाबूजी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही चिंता करेंगी और खाना नहीं खाएंगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू, अभी तक तो वहां से कोई खबर आ जानी चाहिए थी। पता नहीं क्या बात है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। मिस्टर मनोहर एकदम ठीक हैं। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हम तो बहुत घबरा गए थे कि पता नहीं हार्ट का मामला है, लेकिन थैंक गॉड सब ठीक हो गया। सम्राट, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आज अगर बाबूजी सही सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अरे, इसमें उपकार की क्या बात है, ये तो एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति फर्ज था। डॉक्टर साहब, हम लोग बाबूजी को देख सकते हैं? अभी नहीं, उन्हें वार्ड में ट्रांसफर किया जा रहा है। उनके होश में आने के बाद उनसे आप मिल सकते हैं। आप लोग मेरे साथ आइए, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर देता हूं। जी प्रभाकर, घर पर फोन करके मां और भाभी को बता दो, और हां, गांव फोन करके पूजा को बता देना, ठीक है? जी भैया। हेलो माँ, बाबूजी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, वो ठीक है? बहू, बाबूजी ठीक है। बेटा, एक बार उनसे बात करवा दो। ठीक है, लेकिन बात जरूर करा देना। ठीक है। हे दुर्गा मैया, आपने मेरा विश्वास रख लिया। बहू, भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। ठीक है अम्मा। सब अच्छे से हो गया? बाबूजी से बात करा दीजिए ना। अच्छा अच्छा, जब होश में आ जाएंगे तब बात करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं अभी कह देती हूँ। भाभी भाभी, बाबूजी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। प्रभाकर भैया फोन किए थे, अब बाबूजी बिल्कुल ठीक है। 7-8 दिन में वो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। मेरे मास्टरनी बनने के सारे अरमान पर पानी फिर गया। क्या सोच रही है भाभी? कुछ नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि बाबूजी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और बिना किसी लाग लपेट के मुफ्त में। मैं मंदिर से आती हूँ। हाँ ठीक है। हा? सुनो, बाबू कहाँ है? बाबूजी के कमरा में सोया है। ठीक है। भगवान, एक काम तो मुफ्त में हो गया, अब बस पूजा की शादी मुफ्त में हो जाए, फिर तो मेरी 5 उंगलियाँ हमेशा घी में डूबी रहेंगी।
अरे अब क्यों रो रही हो? अब मैं एकदम ठीक हूँ, देख लो। ये सुधाकर मुझे बेंगलोर नहीं ले गया, उधर आपका ऑपरेशन हो रहा था और इधर मैं, ये एक हफ्ता मेरा कैसे कटा है मैं ही जानती हूं। अरे सुधाकर को क्यों दोष दे रही हो, उसने ठीक किया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, ज्यादा चिंता फिक्र में कहीं तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती तो और मुश्किल हो जाती। अरे माँ, बाबूजी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया ना, अब खुश रहिए। बेटा तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, तुमने जो किया उसका एहसान पता नहीं कैसे चुका पाएंगे हम लोग। माँ जी, एक तरफ बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ एहसान चुकाने की बात कर रही हैं। गुरुजी मेरे अपने हैं और आप सब लोग भी, बड़े लोगों से आशीर्वाद पाने का ये एक मौका था। इस माँ का तो आशीर्वाद भी कम पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें हमेशा खुश रखें, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें। बाबूजी फल। तुम लोगों ने मुझसे मेरी बीमारी और ऑपरेशन की बात छुपा कर रखी, भनक तक नहीं लगने दी, और ये बहू कह रही थी बेंगलुरु में अच्छे डॉक्टर से जांच करवानी है। ये तो संयोग से सम्राट आ गया और चैरिटेबल हॉस्पिटल में बढ़िया से ऑपरेशन करवा दिया। ये नहीं आता तो क्या करते तुम लोग? बाबूजी, सब बढ़िया से हो गया है ना, तो फिर क्यों फालतू में ये सब सोच रहे हैं? गुरुजी आप ज्यादा तनाव मत लीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, आप आराम कीजिए। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूं, तुम इतने कठिन समय में हमारे काम आए हो कि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी तारीफ करने के लिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये आपकी ही दी हुई शिक्षा है ना गुरुजी? गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊपर होता है, फिर आप क्यों धन्यवाद धन्यवाद बोलकर मेरा दिल दुखा रहे हैं? बेटा आज सही मायने में तुमने मुझे मेरे शिक्षा का सही मोल दे दिया है। मुझे आज गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हारी मां को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हें इतना संस्कार दिया है। बाबूजी हम लोगों को गांव भी निकलना है, इंदु और पूजा वहां अकेली हैं। पर भाई साहब, डॉक्टर साहब ने गुरुजी को कहीं आने जाने से मना किया है, इनको कम से कम एक महीना अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रखना होगा। हर सप्ताह अपना चेकअप कराना पड़ेगा, अगर गांव जाएंगे तो आने जाने में परेशानी होगी, गड्ढों से भरी सड़क है, अगर गुरुजी को कहीं कुछ हो गया तो। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, माँ बाबूजी एक महीना यहाँ रह जाएंगे, आखिर ये भी तो उन्हीं का घर है। Thank you.
ये ठीक रहेगा, यहाँ हर चीज की सुविधा होगी। प्रभाकर, तुम गांव जाकर पूजा को ले आओ, बाबूजी की देखभाल में आराम हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं अभी ही निकल जाता हूँ। गुरुजी, मैं भी चलता हूँ, कल सुबह ही मुझे मुंबई निकलना है। अरे इतना जल्दी क्यों? रात का खाना खाकर जाना, पास में ही तो जाना है। नहीं माँ जी, कुछ ऑफिशियल काम भी है और तैयारी भी करनी है, मैं चलता हूँ। बाबूजी, तो मैं भी चलूं? हाँ बेटा, स्कूल में एक प्रार्थना पत्र दे देना और कोई कुशल क्षेम पूछे तो बता देना। जी ठीक है। अच्छा बाबूजी, मैं जरा बाजार से दवाई लेकर आता हूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। साष्टांग युवराजपुर के दामाद, आपको इतनी मेहनत करता देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। अरे कहाँ थे महापुरुष, दो चार दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो। अपनी धर्मपत्नी के साथ कुछ घरेलू वाद विवाद में उलझा था, वही सुलझाने में लगा था। हर घर की यही कहानी है, कोई भी अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है। सच कहा युवराजपुर के दामाद, इस संसार में हर कोई मोह माया के बंधन में फंसा है, संतोष किसी को नहीं है। अरे हाँ, मोह माया से याद आया, आप अपने ससुर के बातचीत की जानकारी प्राप्त करने हेतु युवराजपुर गए थे कि नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं झूठे और मक्कार लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। गलत बात जीजाश्री, आपके ससुर का सही में शल्यक्रिया हुआ है, हृदय में शल्यक्रिया। उनके कष्ट के समय में उनको देखने के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए था। अब क्या कहा तुमने, मेरे ससुर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है? हाँ। हार्ट के ऑपरेशन में कम से कम 3-4 लाख खर्च हुए ही होंगे। अवश्य, पर आपके मुख पर इतनी उत्तेजना क्यों है जीजाश्री? नहीं नहीं, ससुर जी के पास 3-4 लाख रुपए आए कहां से? आरती के इलाज के लिए तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझने की कोशिश भी मत करो, अब जिसको समझना है उसको तो मैं समझाऊंगा। सुनो, तुम्हारे बाबूजी के पास तुम्हारा इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपना इलाज करवाने के लिए पैसे हैं। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? आहा, क्या तो ऐसे कह रही है महारानी जी, जैसे कुछ पता ही नहीं है। देखिए, आप पहले मत बुझाइए, बताइए ना क्या बात है। तुम्हारे बाबूजी ने अपना ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन? हाँ, हार्ट का ऑपरेशन। अब कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च तो हुए ही होंगे। हार्ट का ऑपरेशन बाबूजी का? कब हुआ? अब कैसे हैं बाबूजी? ये त्रिया चरित्र वाला नाटक मुझे मत दिखाओ, तुम्हारे घर वाले एक नंबर के झूठे और फरेबी हैं। वो मुझे अपना दामाद कहाँ समझते हैं? लेकिन तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, तुम तो कम से कम मुझे बता सकती थी या नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मुझे भी बाबूजी के ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओ, तो अपनी बेटी से भी छुपा लिया उन लोगों ने, ताकि मुझे कुछ पता ना चल जाए और मैं उनके होने वाले ऑपरेशन में जाकर कहीं विघ्न ना डाल दूं, यही ना सोचे होंगे वो लोग। पहले पूजा के रिश्ते वाली बात छुपाई और अब ये ऑपरेशन वाली। जब अपनी बेटी से सब कुछ छुपा लिया तो मैं किस गिनती में हूं भाई? देखो आरती, मैंने तो पहले से ही उन लोगों से रिश्ता नाता खत्म कर लिया है। अब मैं तुम्हें भी समझाता हूं कि तुम भी उन लोगों को भूल जाओ। जब उन लोगों को अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं रखना है, तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से मतलब रखने का।